दुर्ग पुलिस ने दुर्ग जिले में ऐसे बाइक चोरों के गैंग को पकड़ा है जो अलग अलग स्थानों से दर्जन भर वाहनों को चोरी किया करते हैं। आरोपी मास्टर चाबी और ऑटोमेटिक लॉक को तोड़कर पल भर में वाहनों को चुरा कर भाग जाते थे। पुलिस ने बाइक को बेचने ग्राहक तलाशते पकड़ा है, जिसमें पुलिस तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 13 वाहनों को जब्त भी किया है। दुर्ग पुलिस ने लगातार वाहन चोरी के मामलों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दुर्ग पद्मनापुर थाना पुलिस ने चोरी के वाहन को बेचते हुए घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान पद्मनापुर थाना प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि राहुल चेलक निवासी सुभाष नगर दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल को अपने मकान के सामने खड़ा किया था, जिस वाहन को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना जारी कर दी गई थी। इस दौरान मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए एक टीम भी गठित की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि स्कूल चौक बोरसी में 3 युवक चोरी का मोटरसाइकिल रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर बुद्धेश्वर मोहम्मद आसिफ व अनुराग निर्मलकर को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि पूर्व में भी तीनों ने अलग अलग स्थानों से 9 मोटरसाइकिल व एक एक्टिवा को चोरी किया था। पुलिस ने आरोपियों से कुल 12 नग मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।